साल शुरू होते ही दुख भरी खबरें मिलने का भी सिलसिला शुरू हो गया। हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया था। लता जी के बाद मशहूर बंगाली सिंगर संध्या मुखर्जी के निधन की खबर आई और अब बप्पी लहरी ने भी 69 वर्ष में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि बप्पी लहरी मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती थे। जैसे ही पपीता के निधन की खबर मिली, किसी को भी यकीन नहीं हुआ। हर कोई यही सोचने लगा कि काश ये खबर गलत हो जाए। लेकिन पपीता के निधन की पुष्टि होते ही फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैंस के बीच सन्नाटा पसर गया। क्रिटिकेयर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक नामजोशी ने बताया कि बप्पी लहरी अस्पताल में एक महीने से भर्ती थे। उन्हें सोमवार यानी 14 फरवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन मंगलवार को उनकी हालत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक पप्पी दा हेल्थ संबंधी काफी परेशानियों से जूझ रहे थे। उनका निधन ओएसए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण हुआ। बता दें कि बप्पी लहरी का 80 और 90 के दशक में खूब बोलबाला था। वह एकमात्र सिंगर और कंपोजर थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा की डिस्को म्यूजिक से पहचान कराई और उसे पॉपुलर किया। बप्पी दा ने कई फिल्मी साउंडट्रैक बनाए, जिसमें वारदात, डिस्को डांसर, नमक हलाल, डांस डांस और कमांडो शामिल है। आए दिन बॉलीवुड गलियारों से भी कई चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। अभी लता मंगेशकर के निधन से बॉलीवुड उभरा भी नहीं था कि गायक बप्पी लहरी के निधन ने बॉलीवुड को झकझोर कर रख दिया है। बॉलीवुड के तमाम स्टार्स बप्पी लहरी के निधन से काफी दुखी हैं और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लाइव लगातार भी बप्पी लहरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।